Children, welcome to the online class. Today we are going to finish the chapter Monkey Trouble. We have almost reached at the end of the chapter. The very interesting chapter you have already known, and in the previous lesson you have seen how Tutu created a pandemonium. Pandemonium means mess in the market. Tutu, you know that Tutu escaped with a costly necklace from the jewelry shop. Everyone, including jewelry owner, Rocky, bystanders, children, all were running behind Tutu to recover the necklace. But Tutu was showing her monkey business on the road. You know that? Tutu was showing her monkey business on the road and made everyone run like athlete in Olympic. Tutu sat on the back of a scooter. Tutu bumped against a banana seller and even ate his banana. Now let's see what happens after that. I will give reading line by line, and I will explain the word meaning, the phrase, okay, in details. So please take the literature book with you, and let's explore what will happen next, because next episode is very thrilling. Look, what is, keep the reading. Tutu finally left the bazaar and took a road leading in the direction of her house. So what is this? Tutu finally left the bazaar. अब तक टूटू अपना सर्कस दिखा रहा था बाजार में, अब बाजार को छोड़ दिया. बाजार को छोड़ पे कहाँ पे आया? टू का रोड, एक रास्ता को पकड़ लिया. इस रास्ता किस तरफ जा रहा है? लीडिंग, लीडिंग मतलब जा रहा है. दैट वी से द रोड लीड्स टू बम्बई, मतलब ये रोड जो है वो बम्बई का तरफ गया है. अगर कोई रोड अगर कोई दूसरा प्लेस के तरफ जाता है तो उसको हम लोग लीड बोलते हैं. ये रोड किसका तरफ जा रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ आवर हाउस. आवर हाउस मीन्स राइटर हाउस. सो फ्रॉम दिस सेंटेंस इट इज क्लियर दैट टूटू इज ट्राइंग टू रिटर्न होम. टूटू घर लौटने का कोशिश कर रही हैं. उसके बाद क्या हुआ? बट नोइंग दैट she would be caught and locked up once she got home. I have told you before that Tutu is a very clever monkey. Tutu ko ye bhi pata hai, agar hum is necklace ko pehen ke ghar chala jayenge to kya hoga? She would be caught, pakad jayega, and locked up. Lock up matlab ghar mein usko band kiya jayega. Once matlab turant she got home, jab ghar jayega. Because the people of the house, the family members will know that Tutu has escaped with a necklace. इसलिए clever Tutu ने क्या decide किया? She decided to end the chase. Chase मतलब ये जो भागदर हो रहा था, उसका पीछे पीछे सब लोग भाग रहा था, ये drama को खत्म करने का कोशिश किया. कैसे? By riding herself of the necklace. Necklace से अपना को क्या करके? मुक्त करके. Look at the word riding. Yeah, riding in means free. अपना को क्या कर देना? कोई चीज से मुक्त कर देना. एक ride का मतलब क्या होता है? चढ़ना. Tutu rode on the back of the scooter. और एक ride का मतलब क्या होता है? Free कर देना. FREE, याद रखना. कैसे फ्री किया? डेप्टली. डेप्टली मतलब बहुत जल्दी करके. डेप्टली एंड डेप्टली का मतलब क्या होता है? वेरी फास्ट, वेरी क्विकली एंड स्किलफुली. रिमूविंग, रिमूव मतलब खोल देना. आई टी इट, खोल दिया फ्रॉम हर नेक, अपना गले से. उसके बाद उन्होंने क्या किया? सी फ्लांग
फ्लांग मतलब फेंक देना, वो फेंक दिया। कहाँ पे वो नेकलेस को फेंक दिया? इन द स्मॉल कैनल। कैनल का मतलब क्या होता है? कैनल मतलब जो ड्रेन होता है, जो पानी का जो ड्रेन। कहाँ क्या हो रहा था? दैट रन डाउन द रोड, जो रोड का नीचे जो ड्रेन जो बह रहा था उसमें वो फेंक दिया। तो अगर ये नेकलेस अगर फेंक देगा कोई ड्रेन में, कोई नाली में, सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा पैनिक, सबसे ज्यादा पेन किसको महसूस होगा, दर्द किसको महसूस होगा? जो ज्वेलरी ओनर है उसका, क्योंकि ये उसका चीज है, बहुत महंगा चीज है। अगर ये चीज खो जाएगा, अगर ये चीज नहीं मिलेगा, ही विल हैव टू इनकर अ हेवी लॉस। उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उसका बिजनेस में। इसीलिए देखो पहले किसको पेन महसूस हुआ? द ज्वेलर विद ए क्राई ऑफ एंग्विश। ज्वेलर जो था वो एंग्विश, एंग्विश मतलब क्या होता है? दर्द, और दर्द भरा चिल्ला के उन्होंने क्या कर दिया? फ्लांग्ड इनटू द कैनल। फ्लांग मींस जंप करना, जलंग लगाना, सीधा उसको पाने के लिए नेकलेस को जलंग लगा दिया। कहाँ पे जलंग लगा दिया? कैनल में। उसको देख देख के और सब लोग क्या किया? सो रॉकी, सो डिड रॉकी, सो डिड आई, सो डिड सेवरल अदर पीपल, बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन। इट वॉज टू बी अ ट्रेजर हॉन्ट। तो सबको देख के, इसको देख के रॉकी ने भी जलंग लगाया, राइटर ने भी लगाया, और जो दूसरा लोग था उसमें एडल्ट भी था मतलब बड़े आदमी भी था, और चिल्ड्रेन मतलब बच्चे भी था। सब लोग जलंग लगा दिया। देख के क्या लग रहा था? इट वॉच टू बी ट्रेजर हंट। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना। मतलब देख के लग रहा है सब लोग खजाना ढूंढने में लग गया है। हंट मतलब ढूंढना। उसके बाद देखो क्या हुआ? सम 20 मिनट्स लेटर, सब लोग ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं, एवरी वन इज सर्चिंग द नेकलेस, एवरी वन इज लुकिंग फॉर द नेकलेस। ठीक उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है? बाद, रॉकी शाउटेड। उसमें रॉकी चिल्ला के उठा। रॉकी चिल्ला के क्या बोले? आई हैव फाउंड इट, मुझे मिल गया है। सो ये क्वेश्चन में कम, हु फाउंड द नेकलेस? यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, रॉकी फाउंड द नेकलेस। कवर्ड इन मड, और जो नेकलेस को उठाया, नेकलेस में क्या लगा हुआ था? मड, कीचड़। वाटर लिली, व्हाट इज लिली? लिली इज वन काइंड ऑफ वाटर फ्लावर हियर, ओके। फर्न, यू नो, अ स्मॉल प्लांट वन काइंड ऑफ। और क्या था? टैटपोल्स, व्हाट इज टैटपोल्स? टैटपोल्स मीन्स स्मॉल फ्रॉग्स। सारे चीज उसमें लगा हुआ था। एंड रॉकी प्रेजेंटेड द नेकलेस, और रॉकी नेकलेस को प्रेजेंट किया, दिया किसको दिया? टू द रिलीव्ड शॉपकीपर। व्हाट डज द वर्ड मीन्स रिलीव? जब आप कोई चीज चैन से आप सांस लेते हैं, आपको बहुत आराम महसूस होता है, तो उसका रिलीव कहा जाता है। यहाँ पे शॉपकीपर को रिलीफ क्यों महसूस हुआ? बिकॉज ही हैज गॉट बैक हिज नेकलेस, क्योंकि उसका उसको नेकलेस मिल गया है। फाइनली द रिंग वॉज बॉट। लास्ट तक क्या हुआ? उस रिंग को खरीद गया। द एंगेजमेंट वॉज अनाउंस्ड, शादी भी ऐलान हो गया। किसका शादी ऐलान हो गया? रॉकी एंड आंट रूबी का, यू ऑलरेडी नो दैट। एंड द डेट वॉज सेट फॉर वेडिंग्स, और शादी का डेट भी फिक्स हो गया। उसके बाद देखो और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ? लेट्स रीड द पैराग्राफ। अ फ्यू डेज बिफोर द वेडिंग आई फाउंड टूटू इन द किचन हेल्पिंग ग्रांड मदर प्रिपेयर द वेडिंग केक। तो अ फ्यू डेज बिफोर द वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी, शादी का कुछ दिन पहले, आई फाउंड टूटू, राइटर ने टूटू को देखा। टूटू क्या कर रहे हैं? इन द किचन, किचन में हेल्पिंग ग्रांड मदर, ग्रांड मा जो है उसको क्या कर रही है? हेल्प कर रही है
प्रिपेयर मतलब बनाने में, द वेडिंग केक, शादी का जो केक है उसको बनाने में। टू टू ओपन हेल्प विद द कुकिंग, टू टू हमेशा ही, ओपन मतलब हमेशा ही, टू टू कुकिंग में, खाना बनाने में किसको हेल्प करते हैं? ग्रैंडमा को। एंड व्हेन ग्रैंडमदर वॉज नॉट लुकिंग, जब ग्रैंडमदर इधर उधर दिखाई नहीं देता है तो वो कोई भी कुकिंग में, कोई भी चीज में, खाने का चीज में क्या मिला देता है? हर्ब्स मिला देता है, स्पाइसेस मिला देता है, एंड अदर इंटरेस्टिंग आइटम्स टू द पॉट्स, और भी बहुत सारे कुछ कुछ ऐड कर देता है। आप समझ जाओ, ये सारी चीज अगर खाने में मिला मिला देगा तो उसके बाद उसका टेस्ट कैसा होगा? नाउ लेट्स रीड व्हाट विल हैपन टू द केक ऑल्सो। केक में उन्होंने क्या किया, राइटर ने बोला कि आई एम नॉट श्योर व्हाट वेंट इन टू द वेडिंग केक, मुझे पता नहीं है जी शादी का केक का साथ क्या हुआ, बट राइटर ने ये बोल रहे हैं जोड़ दे के कि व्हेन ग्रैंडमदर वॉज नॉट लुकिंग, जब ग्रैंडमदर नहीं देख रहा था केक बनाने के टाइम में, बट आई डिड स्पॉट, स्पॉट मतलब देख देख लेना, लेकिन मैंने देख लिया। टू टू स्टियरिंग, व्हाट डज द वर्ड स्टियरिंग मीन, द वर्ड स्टियरिंग मीन्स मिला देना, मिक्स कर देना। टू टू क्या मिक्स कर रहे हैं केक का साथ? सम रेड चिली सॉस, कुछ रेड कलर का जो चिली है, चिली मीन्स चिली का जो सॉस है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू मिक्स समथिंग चिली, और किसी के साथ अगर आप मिर्ची ऐड कर दीजिएगा रेड चिली का, तो क्या सिचुएशन होगा? और क्या ऐड किया? बीटर गोट सीड्स, करेला जो है उसका जो सीड है वो ऐड कर दिया। एंड अ जेनरस हेल्पिंग ऑफ एग सेल्स, और अंडा का जो सेल है वो भी क्या कर दिया, केक में मिला दिया। तो बहुत सारा सारा अजीब सा अनयूजुअल आइटम्स टूटू ने क्या कर दिया, मिला दिया। इसका खाने का बाद गेस्ट लोग का रिएक्शन क्या होगा, लेट्स सी। इट इज ट्रू दैट, ये सच है, दैट सम ऑफ द गेस्ट वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द वेडिंग। इसके बाद क्या हुआ, शादी का कुछ दिन का बाद कोई गेस्ट तो दिखाई नहीं दिया घर का आसपास भी, मतलब उस केक खाने का बाद गॉड नोज वो लोग का क्या सिचुएशन हो गया है। मे बी सम पीपल वुड बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल, और किसी का भी लूज मोशन हो गया है, बहुत कुछ हो सकता है। बट नो वन सेड एनीथिंग अगेंस्ट द केक, लेकिन ऐसा अच्छा बात है, कोई लोग इस केक का खिलाफ कोई शिकायत नहीं किया, कुछ कंप्लेन नहीं किया। मोस्ट पीपल थॉट इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर, इसमें से कोई कोई लोग तो ये भी सोच लिया कि इसमें क्या फ्लेवर लगा हुआ है, इंटरेस्टिंग फ्लेवर है इस केक में। अंडरस्टूड? सो नाउ द चैप्टर इज ओवर। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव सीन, इन दिस चैप्टर वी हैव सीन दैट टू टू थ्रू द नेकलेस इन टू द कैनल। ओके, द ज्वेलर ओनर वॉज वेरी पैनिक टू सी दैट। He instantly jumped into the canal to search his costly necklace. Seeing the jewelry owner, everyone, including Rocky, including several other people, children, everyone jumped into the canal to recover the necklace. It seemed to us that they all are engaged in treasure hunt. After 20 minutes, Rocky shouted and informed that he has found the necklace. And Rocky presented the necklace to the shopkeeper. At last, shopkeeper got relieved to get back his necklace. Understood? After that, the wedding ring was bought. And the date of wedding was fixed. Another incident happened before the wedding. What happened?
One day, grandmother was preparing wedding cake in her kitchen. Tutu was also helping her. In the absence of grandmother, Tutu added. What did Tutu add? Tutu mixed some red chili sauce, bitter gourd seeds, and eggshells with the cake. After eating the cake, what happened? Some of the guests were not seen for several days. Some of the guests did not complain against the cake, but some said that it had interesting flavor. In this way, this chapter came to an end. And this is a very interesting and funny story written by Ruskin Bond. I would like to request you to read the story again and again and try to understand the meaning of each line and phrase. Let's goodbye.